आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त को जाए किए सितंबर 1 से 20 सितंबर की करंट अफेयर की क्लास की क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हमारे साथ आप सभी भी पढ़ी, चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन मी, मेगा स्वस्थ अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है गांधी जयंती मनाने की। एक तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित है। विशाल स्वच्छता अभियान है। सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाज बल्लक गुलिया ने एशिया खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। इसका विवरण हम पढ़ लेते हैं साथ में। 29 सितंबर 2023 को 2023 एशियाई खेलों के छठे दिन भारत ने अपनी तालिकाओं में कुल 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जोड़े, जिससे उनकी कुल संख्या 33 हो गई। भारत वर्तमान में संगमरमर स्टेडियम चौथे स्थान पर निशानेबाज बल्लक गुड़िया ने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक भर के कार्यक्रम का नाम है संकल्प साप्ताहिक। किस प्रकार है इसका विवरण हम नीचे पढ़ेंगे। संकल्प साप्ताहिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संकल्प साप्ताहिक नामक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडलप में हुआ था। इसमें लगभग 3000 पंचायतें और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की भागीदारी देखी गई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। एमएस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई थी। किस प्रकार से लाई थी? एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और अक्सर भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का 98वें वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया था। स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1972 से 1980 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और 1982-1988 के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुई भारतीय भाषा उत्सव को कौन सा भाग ले रहा है? पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने वाला 75वां दिवसीय कार्यक्रम, जिसे भारतीय भाषा उत्सव के नाम से जाना जाता है और 28 सितंबर को 2023 को लखनऊ में शुरू किया गया था। नोरम रोशिना बीने देवी ने एशियाई खेल में 2023 में किस
खेल को रजत पदक जीता था? वुशु। एशियाई खेल 2023 के पांचवें दिन 28 सितंबर 2023 को भारत में निशानेबाजी, वुशु और घुड़सवारी समेत विभिन्न खेलों में सफलता हासिल की। वर्ष 2023 का वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 40वां। राइट आंसर 40वां। भारत ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी है। रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी और GII रैंकिंग में भारत के लगातार सुधार का प्रकाश डाला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने जोड़ा? शिप्त और समरा। शिप्त और समरा विश्व रिकॉर्ड बनाए और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि आशी चोकसे ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक हासिल किया। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे स्थापना करने की सरकार की योजना के प्रस्तावित मार्ग क्या है? दिल्ली से जयपुर। राइट आंसर दिल्ली से जयपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितेश गडकरी ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रॉनिक बसों और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना का चर्चा किया। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिससे सुरक्षा और विद्रोही समूह का पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर रही है? जातीय हिंसा। राइट आंसर है जातीय हिंसा। 27 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने इम्फाल गार्ड के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम को लगकर अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कनेक्ट लेवल 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया था? इंदौर को। राइट आंसर इंदौर। इंडिया स्मार्ट सिटी सीरीज कनेक्ट लेवल 2023 के दौरान 27 सितंबर 2023 को इंदौर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब में सम्मिलित किया गया। ये पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के 4th स्मरण के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटक दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन सी पर्यटक और हरित निवेश। विश्व पर्यटक दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन ने 1980 में इस अनुसंधान की स्थापना की थी। विश्व पर्यटक दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 में उस दिन WTO के कानून को अपनाने से जोड़ा हुआ है।
आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रूप में एम राजेश्वर राव कौन से विभाग से संबंधित हैं? विनिवेश, संचार, प्रवर्धक, कानून और जोखिम निगरानी से हैं। एम राजेश्वर राव भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पुनर्नियुक्ति एक देश एक वर्ष की अवधि के लिए जो अगले महीने की 9 तारीख से शुरू होगी या अगले आदेश तक जो भी पहले आए।